कल मुझे आपके साथ ये अद्भुत अनुभव हुआ वो एक सामूहिक अनुभव था और फिर मैंने साधकों के साथ और स्वयं सेवकों के साथ आपका रिश्ता देखा इस अद्भुत कार्यक्रम में और वहाँ कुछ ऐसा था जो आपको जोड़ रहा था मैंने इसके बारे में कहानियां सुनी हैं, जैसे कि जब ईसा मसीह आए उन्होंने प्यार फैलाया और हम हमेशा हैरान होते थे कि आप प्यार कैसे फैला सकते हैं मैंने वो कल देखा मैंने देखा उनकी आंखों में आंसू थे वो हम समझा सकते हैं मगर मैंने आपकी आंखों में आंसू देखे ये रिश्ता दोनों तरफ से था तो एक गुरु के बारे में बात करते हैं और मुझे बताइए कि ये दोनों तरफ से कैसे है क्योंकि मैंने आपको एक भक्त की तरह देखा आप उनकी तरह थे जब आप उनके पास गए वो सिर्फ उनकी ही भावनाएं नहीं थीं वो आपकी भी थीं देखिए यहाँ आप भक्त शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं मैं नहीं जानता कि वो भक्त है या नहीं मेरा जीवन उनके लिए समर्पित है ये पक्का है मेरा पूरा जीवन इस धरती के हर इंसान इस धरती के हर जीव के लिए समर्पित है तो भक्ति सिर्फ एक गहरा प्रेम संबंध है जब मैं एक गहरा प्रेम संबंध कहता हूं तो आम तौर पर इन दिनों कम से कम लोग ये समझते हैं कि एक प्रेम संबंध का मतलब किसी प्रकार का लेन देन है भक्ति एक गहरा प्रेम संबंध है सिर्फ देने के लिए उसमें लेना है या नहीं ये मायने नहीं रखता और यह आपके दिमाग में भी नहीं आता तो मेरे लिए मेरा प्रेम संबंध उस हर चीज के साथ है मैं जिस भी चीज को देखता हूं चाहे वो एक आदमी औरत बच्चा सजीव या निर्जीव हो इससे फर्क नहीं पड़ता मैं जिसे भी देखता हूं उसके साथ गहराई से जुड़ जाता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आने के लिए मेरा किसी इंसान को भी देखना जरूरी नहीं है अगर मैं एक बादल को देखूं तो मुझे आंसू आ जाते हैं अगर मैं एक पेड़ को देखूं तो मुझे आंसू आ जाते हैं अगर मैं अपनी आंखें बंद करूं तो मुझे आंसू आ जाते हैं तो आंसू का संबंध प्यार से भी नहीं है अगर आप मुझे कहते हैं कि मैं लोगों से प्यार करता हूं तो मुझे ये कोई अद्भुत बात नहीं लगेगी मुझे लगता है कि आप इस सारी चीज को कमतर कर रहे हैं मैं प्यार में नहीं हूं क्योंकि प्यार अब भी एक तरह का लेन है ये समावेश का एक आयाम है वास्तव में मेरे अनुभव में इस दुनिया में और कोई नहीं है इस अस्तित्व में कोई और नहीं है सिर्फ मैं हूं मैं अपने अनुभव में खुद को और किसी और को नहीं देखता मैं सिर्फ खुद को देखता हूं तो ये भक्ति भी नहीं है ये प्यार भी नहीं है यह सिर्फ समावेश है और ये मेरा विचार नहीं है ये मेरा सिद्धांत नहीं है अस्तित्व ऐसा तो ही है अगर आप अपनी चेतनता में कब्ज पैदा ना करें सीमित चीजों से पहचान जोड़कर जैसे आपका शरीर आपका मन आपकी संस्कृति आपका धर्म आपका परिवार आपकी बाकी चीजें आपकी प्रजाति अगर आप इस तरह की सीमाओं के साथ अपनी चेतना में कब्ज पैदा नहीं करते तो अस्तित्व पूरी तरह समावेशी है और विज्ञान आज आपको यह साबित कर सकता है है ना जैसे ही लोग आपको देखते हैं भले ही दूर से अचानक प्यार उमड़ने लगता है मानो प्यार की बरसात हो रही हो तो चलिए प्यार की बात करते हैं यह एक तरह का प्यार है क्या यह क्या होता है क्या कुछ क्या वो एक रिलीज है शायद ऐसा हो कि जब वो आपको देखते हैं उनके अपने तनाव और भावनाएं रिलीज हो जाते हैं दूसरी बात क्या कोई ऊर्जा है जो आप उनमें ट्रांसमिट करते हैं क्या वो ऊर्जा सिर्फ एक प्रेम संबंध में ही संभव है चाहे आपके और लोगों के बीच या खुद लोगों के बीच प्यार नाम की वो ऊर्जा क्या है और फिर पुरुष और स्त्री के संबंध की बात करें क्योंकि ज्यादातर लोग वही प्यार जानते हैं चाहे आप उसे प्यार कहें या नफरत मगर चलिए प्यार की बात करते हैं ऐसी no uh, कोई ऊर्जा नहीं होती जो प्यार है जीवन एक ऊर्जा है आप एक जीवन ऊर्जा है यह जीवन ऊर्जा कई रूपों में व्यक्त होती है जैसे विचार शरीर शारीरिक काम भावना और हां दूसरे आयाम भी हैं ऊर्जा कार्य अगर आप अपने जीवन में सिर्फ शारीरिक काम कर पाते हैं तो उस काम की अवधि और दायरा बहुत सीमित होता है क्योंकि आप अपने शारीरिक काम को अपने मानसिक काम से सशक्त बनाते हैं आपके मानसिक काम की स्पष्टता और तीव्रता के आधार पर आपका शारीरिक काम एक अलग स्तर पर चला जाता है जैसे कि वो मानसिक काम की वजह से एक अलग आयाम में चला गया हो अगर आप कोई फिल्म बनाते हैं और उसमें सिर्फ शारीरिक चीजें हैं तो यह एक पहलू है उसमें बुद्धिमत्ता भी शामिल है यह दूसरा पहलू है उसमें भावना भी शामिल है यह एक और पहलू है है कि नहीं तो ऐसा ही जीवन के साथ भी है तो ये तीव्रता के अलग अलग स्तर हैं भौतिक तीव्रता का एक स्तर है बुद्धि तीव्रता का एक दूसरा स्तर है भावना तीव्रता का एक अलग स्तर है आमतौर पर लोग भावना को बुद्धि से कमतर मानते हैं ये गलत चीज है जो वो कर रहे हैं मुझे लगता है कि लोग धीरे धीरे यह समझ रहे हैं वो अब इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं क्योंकि भावना बुद्धि से अधिक तीव्रता की क्षमता रखती है कई मायनों में बुद्धि में एक तरह की ठंडक होती है बुद्धि में भेदने की क्षमता होती है लेकिन भावना हर चीज को गले लगा सकती है बुद्धि जीवन को टुकड़ों में जान सकती है भावना जीवन को पूर्णता में जान सकती है तो यही वजह है कि आध्यात्मिक परंपराओं में हमेशा भक्ति को सबसे बड़ी चीज बनाया गया है क्योंकि एक भक्त एक बौद्धिक व्यक्ति को मूर्ख नजर आता है लेकिन एक भक्त जीवन के अनुभव के अर्थ में जो जानता है और वो जीवन के बोध के संदर्भ में उसकी पूर्णता में जो जानता है एक बौद्धिक व्यक्ति कभी उसे नहीं छुएगा इसलिए एक भक्त मूर्ख नजर आता है लेकिन असली मूर्ख कहीं और है तो अभी यहां जो होता है जब लोग मेरे आसपास होते हैं वो ना तो बौद्धिक है ना भावनात्मक ना शारीरिक ये एक अलग आयाम है जो बस ऊर्जा का शुद्ध स्पंदन है अगर मैं एक प्रकार से स्पंदित करूंगा तो कुछ लोग अपनी आंखें ऊपर चढ़ाकर चुपचाप बैठे रहेंगे कुछ लोग रोएंगे कुछ लोग हंसेंगे कुछ लोग महसूस करेंगे कि उन्होंने बहुत सी चीजें अनुभव की उस जगह पर होने के कारण यह उनकी अपनी अभिव्यक्ति है यह ऐसा ही है जैसे मैं आपको इलेक्ट्रिक कनेक्शन दू कोई उससे रोशनी बना लेगा कोई कोई उससे उससे आवाज बना लेगा ठंडक बना लेगा कोई उससे गर्मी बना लेगा एक ही बिजली से अलग अलग उपकरण अलग अलग चीजें बना रहे हैं तो मेरा काम सिर्फ उस ऊर्जा को बाहर निकालना है कोई उससे प्यार बना लेता है कोई उससे सजगता बना लेता है कोई उससे जागरूकता बना लेता है कोई उससे ध्यानमयता बना लेता है यह उस व्यक्ति के ऊपर है यह उसके विकास और उसकी ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है कि वह कैसा है तो क्या मैं एक प्यार ऊर्जा पैदा कर रहा हूं प्यार ऊर्जा जैसी कोई चीज नहीं है सिर्फ जीवन ऊर्जा है सिर्फ जीवन ऊर्जा होती है आ, प्यार जीवन की सिर्फ एक अभिव्यक्ति है बुद्धि जीवन की दूसरी अभिव्यक्ति है शारीरिक काम जीवन की अलग अभिव्यक्ति है सजगता जीवन की एक और अभिव्यक्ति है तो जीवन अभिव्यक्ति के लाखों रूप पा सकता है लेकिन लोगों का एक के मुकाबले दूसरे की तारीफ करना एक बड़ी गलती है वो सभी जरूरी हैं। जरूरी सजगता और संतुलन के बिना प्यार बहुत ही बोझिल हो सकता है, है ना सो वॉट यू रेफरिंग टू लाव तो आप जिसे प्यार कह रहे हैं वो मूल रूप से आपकी भावना की मधुरता है आप यहां बैठकर प्यार महसूस कर सकते हैं आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्यार महसूस कर सकते हैं जो यहां है भी नहीं तो इसका किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है जब इंसान अपनी ही प्रकृति के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो जाता है तो वो समझ जाता है कि प्यार के अनुभव के लिए आनंद के अनुभव के लिए परमानंद के अनुभव के लिए यहां तक कि जीवन के भौतिक सुखों का अनुभव करने के लिए भी वास्तव में आपको किसी की जरूरत नहीं है अगर आप सिर्फ यहां बैठे आप अपने भीतर उसे संभव बना सकते हैं क्योंकि आखिरकार यह आपका शरीर है आपका मन आपकी भावना है आपकी केमिस्ट्री है और आप ही हैं जो अपने जीवन के सभी अनुभवों को पैदा करते हैं चूंकि लोग इसके बारे में सचेत नहीं होते कि आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं आप ही अपने जीवन को वैसे चलाते हैं जैसे चाहते हैं ज्यादातर लोग अब भी मानते हैं कि उनके अनुभव उनके आसपास के लोग और हालात तय करते हैं लेकिन यह सच नहीं है इंसानी अनुभव 100 प्रतिशत खुद के बनाए होते हैं 100 प्रतिशत